तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का, गुड इवनिंग। और हम लोग बात कर रहे हैं सैक पेपर के बारे में, सैक पेपर 3 एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो इसका भाग वन ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, और क्वेश्चन पेपर का भाग वन जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया था, इस वीडियो में हम लोग 50 से 100 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी बताते जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, हमने 50वां क्वेश्चन कर लिया था, 51 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछा गया है, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया क्या है कि यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, या फिर यूनिवर्सल सीरीज बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसबी का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है बहुत सारे नेटवर्क का समूह है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है, यानी कि हो जाएगा विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड अ। तो इस पर पूछा गया है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, तो यह जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP से जुड़ा हुआ होना चाहिए, किससे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, आपका कंप्यूटर, तभी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर द वायर ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, यानी कि हो जाएगा स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल जो डेटा संचार होता है करके इंटरनेट का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग के द्वारा क्या प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, DSI डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज इन द इंटरनेट। तो देखिए, इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, प्रोटोकॉल मतलब होता है नियमों का सेट, ठीक है, नियम कानून। तो देखिए, प्रोटोकॉल का इंटरनेट जो उपयोग करता है उसको बोलते हैं हम लोग HTTP प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक ही HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिएगा, आप जब वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ पे लिखा होता है HTTP/ फिर पॉइंट आएगा सेमीकोलन, ठीक है, उसके बाद फिर उसका नाम होता है। तो ये आपका HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। पूछा जाएगा अगर HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर, इसमें पूछा गया द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 इज, ठीक है। तो देखिए, इसमें सिंपल पूछा गया है कि IPv6 में जो IP का पता है कितने आकार का है, ठीक है। तो देखिए, इसमें 128 आकार का है, 128 बिट्स के आकार का है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगला है, और IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर यहाँ पे IP का फुल फॉर्म पूछे, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल, ठीक है। IP एड्रेस भी हम लोग बोलते हैं कि उसका IP एड्रेस ट्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क ऑन, ठीक है, यानी कि इंटरनेट नेटवर्क इंटरनेट वर्क ऑन, यानी कि इंटरनेट का क्या काम है, ठीक है। तो देखिए, इंटरनेट का क्या काम होता है जनरली, तो पहला है यहाँ पे आपका पैकेट स्विचिंग, और दूसरा है आपका सर्किट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग या सर्किट स्विचिंग या डेटा स्विचिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ A और B। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक, ठीक है, बिटवीन देयर नेटवर्क बाय, यानी कि ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। पहला है आपका इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, और दूसरा है सब्सक्राइबर एंड पॉइंट, तीसरा है आपका ISP एंड पॉइंट। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ISP एंड पॉइंट, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एस एन
एमपी यूज फॉर, ठीक है, तो एज एन एमपी का जो यूज होता है इसका किस लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसके इसका यूज किया जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट में, यानी कि नेटवर्क के प्रबंधन में, ठीक है। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर, इसमें पूछा गया इन HTTP एस इज स्टैंड फॉर, तो देखिए HTTPS में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस का मतलब हो जाता है लास्ट में सिक्योर्ड, सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्योर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में, इन अ कंप्यूटर ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स टू सेलेक्ट आइटम होल्ड डाउन माउस एंड, यानी कि एक कंप्यूटर में ड्रैग ड्रॉप का क्या अर्थ होता है, और इसका जो आइटम होता है इसका किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, और माउस को दबाए रखना क्या कहलाता है, मतलब यही बोलेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मूव फाइल फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो, नेक्स्ट आपका मूव फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर, थर्ड है आपका मूव टेक्स्ट बिटवीन डॉक्यूमेंट, बिटवीन डॉक्यूमेंट, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा या क्या होगा, यार इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि जब आंसर ना मालूम हो और अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए ऑल ऑफ दिस, तो इसी को टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है, 99% संभावना है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो इनमें से कौन सा आएगा आपका यूजर इंटरफेस नहीं है, देखिए पहला है आपका यहाँ पे सिस्टम इंटरफेस, दूसरा है आपका यहाँ पे डिजाइन इंटरफेस, तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे 63, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर मेनू इज अ कलेक्शन ऑफ, कंप्यूटर मेनू जो होता है, मेनू इसको हम लोग बोलते हैं, किसका संग्रह होता है, तो देखिए वो कमांड्स का संग्रह होता है, ग्रुप ऑफ कमांड्स, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ कमांड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड आफ्टर यू इंस्टॉल न्यू ड्राइवर्स, यानी कि नए ड्राइवर्स स्थापित करने के बाद निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा या उपयुक्त रहेगा, तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे रीस्टार्ट, जिसको बोलते हैं कि पुनः प्रारंभ करना, ठीक है, तो नए ड्राइवर स्थापित कीजिएगा यानी कि रीस्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अंडरलाइन टेक्स्ट सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम इज रिफॉर्म टू एज, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई वर्ड होता है उसके नीचे में अंडरलाइन करते हैं, यानी कि रेखा नीचे में दे देते हैं, ठीक है, तो इस फोल्डर को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है हम लोग हाइपरलिंक, मेनू या सोर्स ड्राइव या नॉन ऑफ दिज, तो अंडरलाइन द टेक्स्ट सच एज द टेक्स्ट फोल्डर नेम इज रेफर्ड टू एज, क्या होगा इसका, हाइपरलिंक होगा या फिर अंडरलाइन द टेक्स्ट, एक मिनट यार, देखिए इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, या तो इसका ऑप्शन होगा हाइपरलिंक, ठीक है, या फिर नॉन ऑफ दिज, अब एक दो कन्फ्यूजन रहेगा क्वेश्चन में तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और पहले बता दूं कि ये जो पेपर है आपका इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये पेपर जो है पहले BSc वालों का हुआ करता था, जो लोग BSc करता था उनको सेमेस्टर 3 में सेक में पढ़ा जाता था, ठीक है, ये वाला कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन अब जो है आपका सभी के लिए कंपलसरी कर दिया है, चाहे आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ रहे हैं, सबको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टास्क बार इज यूज फॉर, तो देखिए कंप्यूटर में देखिएगा नीचे में बहुत सारा फाइल खुला रहता है, ठीक है, उसको टास्क बार कहा जाता है, तो टास्क बार का उपयोग क्यों किया जाता है, पहला है आपका नेविगेशन प्रोग्राम के लिए, दूसरा है आपका स्विच बिटवीन प्रोग्राम के लिए, तीसरा है आपका स्टार्ट प्रोग्राम के लिए, चौथा है ऑल ऑफ दिज, तो देखिए जो टास्क बार होता है जैसे ये कंप्यूटर है तो नीचे में यहाँ पे आपका टास्क बार रहेगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा रहता है फाइल ओपन किए हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी, यानी कि इसमें आप नेविगेशन प्रोग्राम भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को स्विच भी कर सकते हैं, और एक काम
मतलब अचानक जो काम है आप रोक के रखें पेंडिंग उसको शुरू कर सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट है आपका टू गिव अ स्लेंटेड, टू गिव अ स्लेंटेड अपीयरेंस टू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विच कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इफेक्ट इज अप्लाइड। यानी कि किसी जो डॉक्यूमेंट है में पाठ को छित्रा रूप देना, यानी कि क्या बोलेंगे टेढ़ा रूप देना के लिए आप किस प्रारूप का यूज करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे यानी कि यूज करेंगे। देखिए ऐसा ऐसा वर्ड है ना जिसका हिंदी ट्रांसलेट ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टू गिव अ स्लेंटेड अपीयरेंस टू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विच कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इफेक्ट इज अप्लाइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए एक होता है आपका इटालिक जो टेढ़ा लिखने का काम करता है, सुपर स्क्रिप्ट जो वर्ड के ऊपर में लिखने का काम करता है, जैसे यहाँ पे 10 लिख दें इसके ऊपर में 2 तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और वही अगर नीचे में लिख देंगे तो ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। और एक होता है बोल्ड मिस मोटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है यहाँ पे, तिरछा है ना, है ना, तो बस इटालिक हो जाएगा, इटालिक ऑप्शन डी। और इटैलिक को कंट्रोल आई से इंडिकेट किया जाता है, मतलब शब्द को टेढ़ा लिखना, ये सब जो लिखा है इसका इस तरह से लिखा हुआ होता, कोई कोई लिखता है ना टेढ़ा टेढ़ा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ डायलॉग बॉक्स। देखिए जब आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज कीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल, और अगर आप कंट्रोल F12 का यूज करेंगे तो ये आपका सेव एज खुलेगा, ये नहीं होगा, अल्ट F12 या शिफ्ट L12 या कंट्रोल शिफ्ट और F12। डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन नहीं किया यार, ठीक है, कंट्रोल F12 से होता है आपका सेव एज, सॉरी केवल F12 से होता है सेव एज, और कंट्रोल F12 से होता है डायलॉग बॉक्स, सॉरी, ठीक है, केवल F12 दबाइएगा तो सेव एज का ऑप्शन देगा, कंट्रोल F12 दबाइएगा तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच इज़ द शॉर्टकट ऑफ रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस अगर आप करना चाहते हैं किसी को तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, देखिए उसका जो शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल एच होता है, कहाँ गया ये सी नंबर, कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ होता है फाइंड, कंट्रोल वाई होता है आपका रिडू, और ये क्या है कंट्रोल आर, कंट्रोल आर किस लिए होता है मालूम नहीं आर का मुझे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो रिजल्ट, तो कंट्रोल लेफ्ट एरो किसका रिजल्ट देता है, तो वन कैरेक्टर लेफ्ट एरो अगर दबाइएगा तो सिंपल सा बात है जब आप लेफ्ट की ओर दबाइएगा तो आपका जो है एक शब्द बाई ओर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन वर्ड टू लेफ्ट, टू द लेफ्ट, ठीक है, एक शब्द जाता है पूरा का पूरा, एक मिनट कंट्रोल दबा कर कर रहे हैं ना, अगर आपको एरो एक बार दबाइएगा कंट्रोल तो वन कैरेक्टर, ए वन कैरेक्टर होता है या वन वर्ड होता है यार, बैक स्पेस नहीं, वन कैरेक्टर हो जाता है पूरा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, मतलब पूरा जो वर्ड है यहाँ से अगर आप दबाइएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बैक स्पेस दबाइएगा तो कट जाएगा, ठीक है, एक एक करके पीछे आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला है हमारा यहाँ पे इन अ कंप्यूटर, इन अ कंप्यूटर नेम द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले ऑन, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर होता है और दिखता है डॉक्यूमेंट उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पे दिखेगा, सपोज इधर मैंने एमएस वर्ड खोला है ये कंप्यूटर पे, तो यहाँ पे लिखा रहता है आपका सबसे ऊपर में, इसको बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है, नाम, तो बोला गया इन द कंप्यूटर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्प्ले ऑन टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार में ये शो करता है। मेनू बार में यहाँ पे होता है, बहुत सारे मेनू होता है, स्टेटस बार आपका नीचे में होता है, ठीक है, नीचे में, और ये जो स्क्रॉल बार है ये इस साइड में होता है, यहाँ पे इस साइड में, इसको ऊपर अप एंड डाउन कर सकते हैं स्क्रॉल बार से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 72 नंबर, इसमें पूछा गया है कि इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में प्रेस INS और इंसर्ट की विल, यानी कि एक कंप्यूटर में INS और इंसर्ट जो हम लोग बटन है किस लिए दबाते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉगल बिटवीन अंडू एंड रीडू के लिए,
ठीक है। अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाना, रिडू मतलब एक स्टेप आगे जाना, ठीक है। और अंडू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल जेड, रिडू का होता है कंट्रोल वाई। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में डिलीटिंग अ कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ अ कर्सर इज एकम्पोजिस्ट बाय प्रेसिंग द, यानी कि अगर आपको एक मतलब कोई चीज़ लिखे हैं, ठीक है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, और उसके जो है कर्सर के बाईं ओर आपको पूरा का पूरा एक अक्षर हटाना है, तो उसके लिए आप किसको यूज करेंगे, तो बैक स्पेस मारिए, तुरंत हट जाएगा बैक, ठीक है, बैक स्पेस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इन अ कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर में वाइल द स्पेस अराउंड प्रिंटेड पेज इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर में जो हमारा प्रिंटेड पेज होता है उसके चारों जो इस तरह से छोड़ देते हैं, मतलब ये पेज है तो यहीं तक लिखा है इस तरह से, ये इस साइड भी छोड़ेगा मार्जिन, इस साइड भी मार्जिन, ठीक है, मार्जिन बोलते हैं उसको, तो सिंपल सा है मार्जिन एरिया। और कॉपी में भी देखिएगा कि आपका, देखिए यहाँ पर भी देखिए ना, इसी पेज में ये इस साइड से देखिए इतना छोड़ा गया है और इधर भी इतना, तो ये जो है मार्जिन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो अगला है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे कंप्यूटर टेक्स्ट कांट बी अलाइंड, यानी कि निम्न में से किस तरीके से कंप्यूटर जो टेक्स्ट होता है उसको एक रेखा में नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कांट बी अलाइन, तो क्या होता है, टॉप अलाइन लेफ्ट, एक मिनट, ये जो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग वे कंप्यूटर टेक्स्ट कांट बी अलाइन, देखिए लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक है, राइट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है, और जस्टिफाई होता है, यहाँ पे टॉप अलाइन नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, टॉप अलाइन नहीं होता है। कितने अलाइन होते हैं, चार गो, लेफ्ट राइट जस्टिफाई और आपका एक होता है सेंटर, ठीक है, और सबका कंट्रोल की भी होता है, कंट्रोल का लेफ्ट का कंट्रोल एल, राइट का कंट्रोल आर, अरे यार याद आ गया, कंट्रोल आर राइट अलाइन, ठीक है, कंट्रोल ई होता है सेंटर का और कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंप्यूटर फॉन्ट इफेक्ट्स इंक्लूड्स, यानी कि जो कंप्यूटर का फॉन्ट होता है प्रभाव में शामिल होता है, किसके प्रभाव में शामिल होता है, तो कंप्यूटर का फॉन्ट में क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो दे सकते हैं, मतलब जो वर्ड लिखेंगे उसके ऊपर हम काट देंगे इस तरह से, तो वो स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा, शेडो भी दे सकते हैं, आउटलाइन भी दे सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, कंप्यूटर फॉन्ट इफेक्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि की विच इज यूज इन कंप्यूटर फॉर हेल्प मेनू इज, ठीक है, तो देखिए टोटल फंक्शन की 12 होते हैं, मतलब F1, F2, F3, F4, इस तरह से टोटल F12 तक जाता है, 12 को फंक्शन की होता है, और इन सभी का काम अलग अलग होता है, जैसे F1 का होता है हेल्प, ठीक है, F2 का होता है फाइंड, F1 हेल्प, F2 फाइंड, F3 क्या होता है यार, हेल्प फाइंड रिप्लेस, ठीक है, तो सब का अलग अलग वर्क होता है, आपको याद करना होगा। F7 होता है स्पेलिंग चेक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि हेल्प मेनू होता है F1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन वर्कशीट इज कॉल्ड, ठीक है, तो जब हम लोग एक जैसे वर्क MS एक्सेल पे काम कीजिएगा, चाहे MS एक्सेस पे, तो वर्कशीट जो होता है, वर्कशीट किस तरह से होता है, ये इस तरह से, ये आपका इस तरह से बना रहेगा, रो कॉलम बना रहता है पूरा, ठीक है, ये जो आपका वर्कशीट होता है ये इस तरह से बना रहता है, ठीक है, अगर आपने बनाया होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है, ये वर्कशीट इसको बोलते हैं, तो वर्कशीट में कॉलम और जो आपका ये बीच वाला है, किसी भी एक घर को ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, ये घर को, तो इस घर को बोलते हैं हम लोग सेल एड्रेस, ठीक है, तो सेल एड्रेस बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 79 नंबर की व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज यूज फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरीज, ठीक है, यानी कि विभिन्न श्रेणियों के आधार पर जो हमका
अरे यार खोटा में आ जाता हूँ। विभिन्न श्रेणियों के आधार पर जो वैल्यू दिया जाता है उसका कंपैरिजन किस प्रकार चार्ट में करेंगे, ठीक है? तो किस प्रकार के चार्ट में करेंगे, सबसे अच्छा विभिन्न टाइप के आपका यूजफुल कंपेयर पाई चार्ट से भी कर सकते हैं, कॉलम चार्ट से भी कर सकते हैं, लाइन चार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रहेगा हमारा वहाँ पर ये कॉलम चार्ट रहेगा, ठीक है? कंपेरिजन सबसे ज़्यादा कॉलम चार्ट से रहेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसे बनाने में भी आसानी होगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका हमारा विच फंक्शन इज एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंटायर्स आर देयर, ठीक है? यानी कि जब हम एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल में कौन सा जो फंक्शन होता है वो हमें बताता है कि कितनी संख्याएं अंदर जाएंगी या प्रविष्ट करेंगी, ठीक है? तो ये हमें बताता है कौन, नम सम काउंट या स्कैन, सी के एच टी एन नम नम लॉक विच फंक्शन इज एक्सेल, तो इसको बोलेंगे काउंट, ठीक है? काउंट ये आपका जैसे सम होता है, सम मतलब जोड़ हो गया, काउंट मतलब काउंट करना, ठीक है? तो आपको याद करना पड़ेगा ये सभी फॉर्मूला है, ठीक है? एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं, आपको फॉर्मूला को याद करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका अ फीचर दैट डिस्प्ले ओनली द डाटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, यानी कि पूछा गया है कि एक विशेष जो मापदंड होता है उसके अनुसार कॉलम में जो डेटा शो करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल्टरिंग। देखिए आप में से बहुत से लोग नहीं समझ रहे होंगे कि यार क्या बोल रहा है, हम तो समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ, इसको वही समझ पाएगा जो वो जनरली कम से कम ADCA का कोर्स किए हो, मतलब MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का आपका कम से कम बेसिक नॉलेज हो, तभी आप इस चीज़ को समझ पाइएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाइएगा, यह भी मैं मानता हूँ, ठीक है? अगला है आपका स्टैटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग, यानी कि स्टैटिकल कैलकुलेशन और जो आपका प्रिपरेशन करते हैं किसका, प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग, तो वो हमें किसका यूज करने के लिए बताते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा कि सांख्यिकी जो गणना होती है और तालिकाओं में जो ग्राफ दिया जाता है उसको तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो जब भी आपका मैथ का काम होगा, सांख्यिकी का काम होगा, फ्रीक्वेंसी का काम होगा, तो हम लोग यूज करेंगे MS एक्सेल का, ठीक है? एक्सेल आगे देख लेते हैं, मार्कशीट वगैरह यहीं से बनता है। 83 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल, तो MS एक्सेल में क्या नहीं है, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, सम होता है जोड़ के लिए, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मिनिमम भी होता है, लेकिन AVG नहीं होता है, एवरेज का, ठीक है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फंक्शन इन MS एक्सेल मस्ट बिगेन विद, तो MS एक्सेल में कोई भी चीज़ आप काम कीजिएगा वह जो है शुरू होगा इक्वल साइन से, ठीक है? इक्वल का साइन से, सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका डाटा ही इंटर नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 85 नंबर विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन इज एक्सेल चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट, ठीक है? तो पूछा गया है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन जांचता है कि शर्त सही है या नहीं है, तो देखिए इफ आता है, और अगर आप क्या बोलते हैं डबल कंडीशन फार्मूला यूज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इन सब के बारे में, ठीक है? सिंगल कंडीशन फार्मूला, डबल कंडीशन फार्मूला पढ़ें। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं तो इफ हो जाएगा, इफ काउंट इज होता है, इस तरह से मैं भी बोल रहा हूँ यार, मतलब बहुत बड़ा फार्मूला होता है, छोटा मोटा फार्मूला होता तो याद भी रहता और बहुत दिन से रिवाइज भी नहीं किया हूँ। क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड और चेंज ओवर टाइम, यानी कि किस तरह के चार्ट को क्या बोलेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज, किस तरह के चार्ट का उपयोग किया जाता है, किसको दिखाने के लिए, तो समय के साथ परिवर्तन, ठीक है? समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको हम किस तरह से चार्ट से दिखाएंगे, तो लाइन चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डैश, द डैश डैश फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डाटा,
तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल की कौन सी विशेषता जो है डेटा को एक श्रृंखला के रूप में पूरा करती है। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफिल। क्या? ऑटोफिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाना है तो हम लोग यूज करेंगे डेटा चार्ट, पाई चार्ट, एक्सेल चार्ट, चार्ट विजार्ड का। ठीक है, चार्ट विजार्ड एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे उसी पे जाना होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इन एक्सेल विच वन डिनोट अ रेंज फ्रॉम B1 टू E5। देखिए अगर आपको B1 टू E5 जाना है तो आप क्या प्रेस कीजिएगा, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा B1, इक्वल का साइन दीजिएगा और आप जाइएगा, सॉरी इक्वल का साइन बोलता हूँ, रेशियो का साइन दीजिएगा और E5 तक जाइएगा सेलेक्ट करके। ठीक है, या फिर सेलेक्ट करके या फिर आप मतलब लिखिएगा तो अपने आप ये सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सब प्रैक्टिकल कराने का चीज़ है और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड AN, तो एक्सेल फाइल का यूज किस लिए होता है। एन एक्सेल फाइल इज जनरली यूज किसका लिए यूज किया जाता है एक्सेल फाइल का, तो वर्कशीट में। ठीक है, उसको वर्कशीट बोलते हैं, पूरा का पूरा को वर्कशीट, ये वाला पूरा और जो लाइन लाइन होता है ये वाला इस तरह से, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, ये सेल होता है, मतलब मैं अच्छा से नहीं बना पा रहा हूँ अभी, समझ रहे हैं ना, इधर से भी रहेगा इधर से भी रहेगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा मैं बना रहा हूँ, 91 नंबर कि टू एंड द स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट या PPT, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे PPTX। ठीक है, तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो अगर आपको क्या करना है, रोकना है, तो क्या करेंगे, एस्केप को दबाएंगे। ठीक है, एस्केप। नेक्स्ट आपका यहाँ पे और एस्केप हमारा पहला बटन होता है कीबोर्ड का। क्वेश्चन है पाउच द शो इन पावर पॉइंट डूरिंग प्रेजेंटेशन प्रेस। ठीक है, तो जब हम लोग प्रेजेंटेशन करा रहते हैं उस दौरान पावर पॉइंट शो को कैसे रोकेंगे, तो यहाँ पे हम लोग, इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, एस्केप ही एक मालूम है और दूसरा नहीं मालूम है, तो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 93 नंबर, इसमें पूछा गया है अ फाइल विच कंटेंड रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, यानी कि एक फाइल जिसमें तैयार की गई जितनी भी, क्या बोलेंगे उसको, रेडीमेड को मालूम नहीं। ठीक है, तो रेडीमेड तैयार की गई जितने भी होते हैं उस प्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे क्या कहेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे उसको, हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, टेम्पलेट बोला जाता है उसको, जितना भी होता है आपका इस तरह से टेम्पलेट, तो कोई भी आपको एक टेम्पलेट चुनना होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, देखिए ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ है इसलिए मैं अंडरस्टैंड आपको उस तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं भी खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल किए बिना समझ में आएगा ही नहीं। अगला है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड द टेक्स्ट कॉल्ड। ठीक है, यानी कि जब स्लाइड पर ऑब्जेक्ट आता है तो उस जो ऑब्जेक्ट होता है उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर या टेक्स्ट होल्डर या ऑब्जेक्ट होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स। जो स्लाइड आता है उसको क्या बोलेंगे, प्लेस होल्डर्स। ठीक है, प्लेस होल्डर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड इन पावर पॉइंट। देखिए जब हम लोग पावर पॉइंट खोलते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो होता है, यानी कि जैसे दो प्रकार का पेज होता है ओरिएंटेशन, एक इस तरह से पेज रहता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग लैंडस्केप। ठीक है, और एक रहता है इस तरह से पेज, खड़ा खड़ा पेज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, तो जो हमारा पेज होता है वो लैंडस्केप फॉर्म में होता है, यानी कि इस तरह का पेज होता है। ठीक है, लैंडस्केप, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंडस्केप। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन द स्लाइड चेंज इन स्लाइड शो व्यू इज। ठीक है, तो स्लाइड शो व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन।
ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन और अंतिम तीन क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 97 नंबर कि फ्रॉम विच टैब यू कैन एक्सेस पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स एंड चार्ट ETC, ठीक है, यानी कि किस टैब से आप जो है फोटो और टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ टेक्स्ट और चार्ट को पहुंच पाएंगे, ठीक है, उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट बहुत इम्पोर्टेंट मेन्यू होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। सॉरी दोस्तों, चाहे इनके अभी पकौड़ी खाया हूँ यार, और मिर्चा खा लिया और पानी भी नहीं पिया हूँ, ठीक है, तो समझ सकते हैं जहाल का स्थिति तीखा ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी कि जो शॉर्टकट की क्या उपयोग हम लोग जो है करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए करते हैं। तो सिंपली Ctrl+M दबाइएगा तो आपका न्यू स्लाइड ऐड होगा, ठीक है, और बाकी सब में Ctrl+N से होता है न्यू पेज, और Ctrl+M से पावर पॉइंट के लिए। अगला है हमारा टू जस्टिफाई द टेक्स्ट पावर पॉइंट। तो जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट की क्या होगा, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था जस्टिफाई यानी कि जे, Ctrl+J कहाँ पे है, सी नंबर, ठीक है। Ctrl+E होता है सेंटर के लिए, Ctrl+L होता है लेफ्ट स्लाइड लेफ्ट के लिए, Ctrl+R होता है राइट के लिए, ठीक है, अलाइन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो व्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड को देखने में देखने को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माउस बटन, क्या बोलते हैं, माउस बटन। और एक चीज़, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, हो सकता है मुझसे एक दो क्वेश्चन गलत भी आंसर किया गया हो, चेक कर लीजिएगा अगर आपको लगता है किसी में तो, डाउट लगता है तो, बाकी अगर आपको खुद मालूम नहीं है तो फिर हमको क्या बोलिएगा, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन में डाउट था, मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है, बाकी सब सही है। और अगर आपका एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होता है तो इसमें आपको पास करने के लिए लाना होगा 30 नंबर, अगर आप नहीं लाइएगा तो फिर फेल कर जाइएगा। एक दो ट्रिक है जहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीजे ऑप्शन मिल जाए उसमें सभी में 90% संभावना है कि आपका ऑल ऑफ दीजे होगा, 90%, ठीक है। और क्या बताएंगे, जहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन रहेगा कि बोथ ए एंड बी, तो वो भी आपका ऑप्शन सही होने का संभावना 90% हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी इसका हिंदी भी मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, तो आप हिंदी भी को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छे से हिंदी नहीं बता पाता हूँ उतना, तो आपको हिंदी भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम क्वेश्चन किस में आता है, अभी तक रिकॉर्ड है कि ये जो पेपर है कंप्यूटर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी तक हर बार इंग्लिश में आया है, ठीक है, लेकिन इस बार हिंदी में भी आ सकता है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक चीज़ है, पॉलिसी कुछ भी हो कि केवल लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी सभी पेपर दो भाषा में रहता है, ठीक है। अगर लैंग्वेज पेपर जितना है लैंग्वेज पेपर केवल उसी भाषा में रहेगा, बाकी सभी पेपर आपका दो लैंग्वेज में रहता है बाइलिंगुअल, यानी कि एक इंग्लिश और दूसरा वह जो उस राज्य का भाषा है, जैसे झारखंड राज्य का भाषा हिंदी है तो हिंदी रहेगा, ठीक है, दो को लैंग्वेज में। अब देखिए क्या होता है, फिलहाल इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा 100 पेज का PDF दूंगा, मतलब पार्ट वन का भी इसी में दे दूंगा, अगर आप पार्ट वन का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, और ये PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड स्क्रीन मतलब जब सबसे लास्ट में आ जाएगा, आ गया होगा आपके पास, देख लीजिए, यही है एंड स्क्रीन,